बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हमारे जितने भी बहन भाई देखने वाला सब ठीक होंगे, अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक है। तो चलो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। व्लॉग शुरू करने से पहले आप से ये गुजारिश होती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है हमें देखते हैं लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें। चलिए, यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है और मेरे गले में भी दर्द है। मैंने नमाज भी पढ़ ली है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान पाक भी पढ़ लिया है और अपनी बहन भाइयों के लिए मैंने दुआ भी की है। जो जो हमें देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, हमारा इतना साथ देते हैं, हमारी इतनी हेल्प करते हैं, हम मैंने उनके लिए भी दुआ की है, उनके बच्चों के लिए, उनके लिए, उनके सब घर वालों के लिए मैंने दुआ की है। तो बस आप लोग ने इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहना, हमें देखते रहना, आप लोगों का शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह पाक आपकी रोजी रिज़्क में बरकत डाले, आमीन। अल्लाह पाक बस आपको सुखी सेहत अता फरमाए, आमीन। तो जी हाँ, सुबह सुबह का टाइम है तो मैं अभी जा रही थी इनके नाश्ता बनाने, तो अदरी सो रहे हैं, अनाया भी सो रही है, तो मैंने कहा चलो मैं साथ साथ व्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ और काम भी करती रहती हूँ। यहाँ पर बने हुए हैं जी बदल, ये देखे यहाँ पर सारे बदल ही बदल है। ये देखिए यहाँ पे चिड़िया रानी भी आ गई है, जिन बारिशें आनी है ना इसलिए ये कभी साफ हो जाता है कभी गंदा हो जाता है। चलिए जी, हम उठाते हैं दूध, तो मैं इतनी देर में दूध को उठाती हूँ। मैंने दूध इसलिए यहाँ पे रखती हूँ कि अंदर ना डर लगता है बिल्ली का, पेटियों के ऊपर बिल्ली में कहती चढ़ के ना आ जाए इसलिए। तो ये देखिए जी हमारा दूध, अभी लेके जाऊँगी इसके नीचे, मैं अभी इसको इधर ही रख देती हूँ, लेकिन अभी ना मैंने अंदर से और सामान उठाना है, उतनी देर हम वो उठा लेते हैं। अच्छा जी, चीनी पत्ती, हाँ जी चीनी पत्ती, ये है हमारी चीनी पत्ती, जिसको भी लेके जाना है नीचे, तो फिर इसके अंदर डालूंगी चीनी। हाँ जी, ये मैंने कल धोया था, ये डिब्बा, ये भी पत्ती वाला ही होता है, तो मैंने इसको कल साफ सुथरा करके धो के रखा था। मैंने कहा इसके अंदर हम चीनी डालेंगे, और पत्ती वाली डब्बी मैंने वो भी ढूंढ के रखी थी, वो भी नहीं मिल रही, क्योंकि मैंने कहा उसमें हम पत्ती डाल लेंगे। तो जी हम निकालते हैं आटा, आटा भी हम निकाल के ना फिर हम आटा गूंथते हैं, आटा गूंथ के इंशाल्लाह फिर हम रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ना ये मैंने कल बर्तन धोए थे तो जगह थी नहीं, ये अनाया के काम है सारे। आपको पहले अनाया का कारनामे दिखा दूँ, इसके साथ खेलती है, इसके साथ खेलती है, उसको जो दिलाते हैं उसके साथ खेलती रहती है। तो उसका सिर्फ ये है, मेरे हाथ से इतना नहीं पीती, अपने बाबा के हाथ से पीती है। तो इसकी ये दो बोलें भी पड़ी है, कहती मम्मा मुझे अभी और भी लेके दो, लेकिन हम कल गए थे बाज़ार तो दुकानें बंद थी, नहीं तो मैंने इसके कपड़े और सालगिरह के लेने जूते लेने थे और थोड़े बहुत इसके खिलौने भी मैंने लेने थे, तो दुकानें बंद थी, हमसे नाराज़ थे। कल की अनाया तो अभी सो रही है, ये देखें ये ना अभी सो रही है, इसे नहीं पता कि मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ। तो इसीलिए ना फिर मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, आज इंशाल्लाह जाएंगे। फिर अभी हम निकालने लगे थे यहाँ से परात, गिर गया, सो रही हूँ कहीं। अब निकालने लगी हूँ मैं आटा, ये देखिए जी आटा ना हमने इसके अंदर रखा हुआ है बाल्टी के, तो ये देखिए जी जब ड्रमी लेंगे इंशाल्लाह फिर हम ड्रमी डाल के ना आटे को रखेंगे इंशाल्लाह जी। तो अभी तो आपको तो पता है गुजारा तो करना है। तो अदरीस कल मुझसे शिकायत कर रहे थे कि आप मेरी काम की रोटी नहीं बांध के दी साथ, तो मैंने कहा चलो आज इसकी काम की भी रोटी हम बांध के देंगे, तो इसीलिए जल्दी उठी हूँ। अभी इनसे पूछते हैं कि किसके साथ नाश्ता ये करेंगे, चाय के साथ करेंगे तो चाय बना दूँगी, अगर किसी और चीज़ के साथ करना है तो मैं वो भी आपको ना उसके साथ दे दूँगी। चलो जी अभी मैं आटा गूँध लूँ, फिर आटा गूँध के अपने बहन भाई के साथ शेयर करते हैं जी, तो आपको भी दिखाते हैं, क्योंकि अभी ना मैंने चीनी भी डालनी है डब्बे के अंदर और पत्ती के लिए भी कुछ चीज़ ढूंढनी है, नहीं तो फिर ऐसे बना लेते हैं। फिर इंशाल्लाह आप लोगों से ना शेयर करेंगे कि हम किसके साथ नाश्ता कर रहे हैं। दृश्य चाय के साथ करते हैं, मेरी तो आदत है सालन के साथ करने की, तो इसलिए ना फिर मैं चाय के साथ इतना नहीं करती। जब मैं सालन के साथ करती हूँ फिर मुझे मेरी आदत बनी हुई है ना नाश्ता सालन के साथ करने, अदरीस तो मछला ये कर लेते हैं चाय के साथ, तो चाय मैं तब पी लेती हूँ जब मैं नाश्ता कर लेती हूँ, एंड में जाके मैं फिर चाय पीती हूँ। चले जी मैं आटा गूंथते आटा गूंथ के फिर इंशाल्लाह चलते हैं नीचे, नीचे चल के बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी बहन भाई के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी नाश्ता मैंने बना लिया है,
चाय और पराठे, और पराठे के साथ मैंने बनाए हैं जी अंडे, ये देखें, क्योंकि हम वो सालन नहीं था ना इसलिए। तो ये देखें जी, मैंने अदरीस की काम की भी बनाई है रोटी, और ये है जी अंडा। मैंने आज हमने ना अंडे और पराठे के साथ करने हैं नाश्ता, और ना ये शौक से खाती है ना अंडा। ये ना हमसे रात को रात से नाराज है कि हम इसे लेके गए थे बाजार, कपड़े नहीं लेके दिए, इसलिए ये बात नहीं करी। तो मैं यहाँ पे कर रही थी अदरीस की चाय ठंडी, क्योंकि ना अदरीस ना गर्म चाय नहीं पीते, इसलिए फिर मैं इसके कोले के अंदर ना उसकी चाय गर्म करी ताकि वो ना ठंडी चाय ना पी सके। तो इसलिए ना मैं अदरीस की चाय ठंडी कर रही हूँ। अदरीस गए हैं नीचे मुँह हाथ धोने के लिए, मैंने कहा चलिए आप मुँह हाथ धोवाएं, उतनी देर में मैं आपकी ना चाय ठंडी करती हूँ, नाश्ता रेडी करके ना रखती हूँ, और आप आके नाश्ता कर लेना, फिर काम की तैयारी करके बिस्मिल्लाह पढ़ के फिर काम पे चले जाना। तो बाहर आपको दिखाते हैं जी मौसम, मौसम बहुत ही बना हुआ है बादल, आपको वो भी दिखाते हैं। ये देखें यहाँ पे बादल बहुत ज़्यादा है, सुबह इतने नहीं थे, साफ थे, अभी ये काला काला सारा हो गया है। तो यहाँ पे ना भी होनी है बारिश, अल्लाह तो करो ना हो बारिश। ये देखे, ये देखे जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे, उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश रहें, बात रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो हमें अपने दुआओं में याद रखा करें, हम भी आपको रखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने तो नाश्ता कर लिया है, आज मैं दिखाता हूँ आपको समरीन के नाश्ते की रूटीन कि वो कैसे नाश्ता करती है। नाया क्या हाल है, क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो, केचप है, ये केचप है, अच्छा केचप खा रही हो। चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह से। समरीन आप क्या कर रही है। मैं नाश्ता कर रही हूँ, अपना अनाया ने भी कर लिया है, अदरीस ने भी कर लिया, तो मेरी बारी आई है एंड में। तो मैंने कहा जैसे ये बचाएंगे फिर मैं खाऊंगी, तो अभी थोड़ा सा बचा है ये मैं खा रही हूँ। वैसे तो मुझे मना है, फिर भी दिल नहीं हो रहा ना, मैंने कहा चलो थोड़ा सा ना खा लेती हूँ। तो चाय भी मैंने अपने कोले के अंदर रखी हुई ताकि ये ठंडी होती हो कि ठंडी हो जाए, बहुत ही गर्म है इसलिए। कोला थोड़ा जा छोटा नहीं, थोड़ा जा बड़ा गेंद की नहीं, चलो बड़ा कटोरा चाम सा देश की में, मैं तो कहता हूँ पी लो, हाँ बस करो। तो अगर किसी भी बहन भाई ने खाने तो हमारे साथ आ सकते हैं। तो जी हम वैसे चिल मोल करते रहते हैं, मजाक करते रहते हैं, हमारी बातों का बुरा नहीं माना करें, कैसे। हाँ जी बिल्कुल। हाँ तो उसके अलावा एक आपी है, रात में कमेंट्स कर रही थी। क्या कह रही थी। वैसे नाराज हो रही थी। क्यों पता नहीं, कौन सी कुछ नहीं हम नाम नहीं ले सकते, तो उनसे हमने कहना चाहते हैं कि वो हमें ना कमेंट्स वगैरह ऐसे ना किया करें। ऐसे किस तरह के कमेंट करते हैं, अब बोल दो ना कि आप इस तरह से ना क्या करें, हम आपको हार्ट करते हैं, आप हमें करते हैं। अगर करनी होता तो अच्छे अच्छे कमेंट कर लिया करें, अगर नहीं करने तो आप इस तरह के ना किया करें। अब मुझे तो नहीं पता, मुझे अदरीस बता रहे हैं कि इस तरह का कमेंट आया था, ये भी मुझे भी नहीं पता। तो आप जो भी है ना पैसे ना किया करें, फिर भी हम ना आपको दुआ देते हैं, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, तो हंसता बसता रखे, और आप हमें इस तरह से कमेंट ना किया करें। वो आप ही कहते हैं यार ये समरीन को स्कूल में दाखिला करवा दो। अच्छा पढ़ोगी इसको। नहीं मैंने बनाया कुरान, मैंने पढ़ लिया। खुद भी पढ़ लो। आपसे मैं कुरान पाक पढ़ती तो हूँ। वो तो पढ़ती हो आप मुझे पता है, लेकिन वो कहते हैं कि स्कूल भी इसको दाखिल करवाओ। बोला अब ये स्कूल पढ़ के क्या करेगा, अब तक बच्चे की माँ भी बन गई है, अब मेरी बेटी चाहेगी। वो आप भी कह रही थी कि उम्र का कोई वो नहीं होता, इंसान चाहे बूढ़ा भी हो जाए। चले फिर इसका मतलब है स्कूल दाखिल करवा दो। हाँ, करवा देना ठीक है, जो भी इसमें हमारी आपी की खुशी है ना दाखिल करवाने की, स्कूल करवा देना ठीक है, वो भी खुश हम भी खुश। चलो जी माशाल्लाह अदरीस चले गए हैं काम पर, तो उसने कहा था कि मैंने ना आपके साथ थोड़े से व्लॉग बना लेता हूँ, तो नाश्ता करके उसने व्लॉग बना लिया था, फिर व्लॉग बना के ना फिर चले गए हैं काम पर। तो इंशाल्लाह फिर शाम को जैसे आएंगे हम जाएंगे अनाया के कपड़े लेने, तो अनाया की जूते और फिराक लेने हैं ना, इसके मुंह से पानी भी निकले है खुशी के मारे, है ना ये ना खुश हो रहे हैं, पानी इसके मुँह से निकला है। तो इंशाल्लाह फिर हम जाएंगे तो अनाया के कपड़े लेके आएंगे। हाँ जी चले जी अभी हम कर लेते हैं काम, फिर इंशाल्लाह आपको कहते ना करो ऐसे।
अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ से सारा खिलार उठा लिया है, बिस्तर वगैरह भी मैंने समेट दिए हैं, यहाँ से भी सारा मैंने साफ कर दिया है। तो अभी जो है मैं जा रही हूँ नीचे बर्तन धोने, बर्तन धो के आएंगे फिर हम यहाँ से मारेंगे झाड़ू। लेकिन कल वैसे मैंने झाड़ू मारा था, मैं एक दिन मारती हूँ, ये दो दिन ना घर मेरा साफ रहता है, ऊपर कमरा तो अनाया जो उनसे ना ये बहुत ही गंद करते, ये बात नहीं मानते, अब इसके काम उल्टे ही होते हैं, ये ना बोतलों में पानी भर के ना इस तरह से ये पीते रहते हैं। जो मैंने यहाँ सहन से भी साफ़ कर दिया, तो अब जरी सी बात आपको तो पता है सफाई तो रखनी चाहिए। तो फिर अभी मैं जा रही हूँ नीचे, नीचे इंशाल्लाह जाएंगे बर्तन धो के आएंगे, फिर ऊपर ऊपर झाड़ू मारेंगे, फिर जैसे गैस आएगा फिर हम रोटी बनाएंगे, और अब्दुल्ला आएगा फिर अब्दुल्ला से हमने सब्जी मंगवानी है क्योंकि वो गया है स्कूल, जैसे स्कूल आएगा फिर हम इंशाल्लाह उनसे सौदा मंगवाएंगे इंशाल्लाह जी। अभी कर लेते हैं हम काम। अभी हम आगे हैं नीचे, तो मैं बर्तन भी लेके आ गई हूँ, ये देखें जी बर्तन हमारे। तो अनाया इधर आ जाओ, आप कुंडी लगा दो, क्योंकि हम घर पे अकेले हैं मैं और अनाया, तो हमने कहा चलो हम कुंडी लगा देते हैं। तो अभी चलते हैं जी हम अंदर, तो देखते हैं अगर भाभी के भी कोई बर्तन वगैरह तो नहीं पड़े यहाँ पे, नहीं है यहाँ पे बर्तन, यहाँ पे ना मशीन वगैरह हमने रखी हुई है कपड़े धोने के लिए, तो यहाँ पे ना ये बिस्तर। चलो आ जाओ, तो ना ये मेरे पीछे पीछे ही है, तो भाभी लगता है सारा काम करके गई है। ये देखें भाभी अपने बर्तन वगैरह यहाँ से झाड़ू भी मार के गई है, मैंने क्या घर नहीं मार के गई तो फिर मैं कर देती हूँ। चलो जी फिर हम धो लेते हैं अपने बर्तन इंशाल्लाह जी। भाभी कपड़े भी सिलाई करती हैं, ये देखें भाभी सारा काम करके गई है, तो चलो अनाया उधर चले जी, फिर हम उतनी देर में काम कर लेते हैं, है ना। आ जाओ चले, आपने सलाम किया था सुबह, चलो फिर कर दो, मुझे याद ही नहीं है। हाँ जी, तो जी मैं भर रही हूँ बाल्टी, ये देखें। तो बार बार ना मैंने कहा नलका चलाने में ना मसला होगा, इसलिए एक ही बार में बाल्टी भर के ये वाली फिर दूंगी बर्तन अंदर से चौक के लिए, कि इस पे बैठ के आराम से बर्तन भी धोऊंगी, अपने बहन भाई से बात भी करती रहूंगी, और भी लोग भी बनाती रहूंगी। अभी मैं भर लूँ पानी क्योंकि ना आपको शोर आएगा, फिर मेरी समझ नहीं आएगी, फिर अभी मैं लेके आती चौक, फिर इंशाल्लाह इस पे बैठ के हम बर्तन धोते हैं, फिर पानी भरते हैं, फिर अपने बहन भाई के साथ शेयर करते हैं। किरण जी मैंने कहा साथ साथ लोग भी बनाते रहे और बर्तन भी धोते रहे, तो मैं पहले धो रही हूँ जी परात। तो यहाँ पे ना मोटरसाइकिल को गाड़ियों को शोर आएगा, तो फिर आपने शोर को इग्नोर करना है, मेरी वीडियो को पूरा देखना है। तो आज ना मैंने कहा चलो मैं साथ साथ बनाती हूँ और काम भी करती हूँ। तो यहाँ पे ना अनाया भी मेरे साथ है, अनाया उधर खड़ी हुई है साइड पे, तो मैंने कहा चलो मैंने पहले परात धो के ना फिर परात के अंदर ही मैं बर्तन रखती जाऊँगी। तो ऐसे ना घर में कोई नहीं है, मैं और अनाया अकेले हैं, तो मेरा दिल भी नहीं लग रहा, मैंने कहा चलो हम ना इसी तरह साथ जैसे काम करें, काम भी करते रहें और ब्लॉग भी बनाते रहें। तो चले जी मैंने बर्तन धोने स्टार्ट कर दिए हैं, बर्तन धोने के बाद मैं जाऊंगी ऊपर, फिर ऊपर जाके लगाऊंगी मैं झाड़ू। तो आपको तो पता है मैंने आपको अपना ब्रश दिखाया था, वो तो आसान तरीका है, मिनट हो जाते साफ, तो पता भी नहीं चलता जल्दी से ना वो घर को पूरा साफ कर देते हैं, मिट्टी वगैरह जो उनसे तो वो सारी इकट्ठी हो जाती है, तो इसलिए मुझे उसकी भी आसानी होती है। ना करो नाया ना करो, तो इसीलिए ना फिर मैंने कहा चलो हम ये बर्तन धो लें, फिर इंशाल्लाह बाकी काम बाद में करते हैं। अभी मैंने रोटी भी बनानी है भाई के लिए, क्योंकि भाभी गई है अपनी मम्मी की तरफ, आपको मैंने बताया। मैं ऊपर आ गई हूँ, मेरा सांस फूल गया है, तो मैंने अभी दवाई भी नहीं खाई, तो मेरे जहन में भी नहीं था कि मैंने दवाई खानी है, क्योंकि मेरी दवाई ख़त्म होने वाली है, तो फिर वो जैसे ख़त्म होगी हम और लेंगे। तो अभी ना मैं बर्तन धो के आ गई हूँ ऊपर, ये देखें जी बर्तन मेरे धुल गए हैं, अभी मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। तो अनाया बाजी को लगी है जी फीडर की, ये कह रहे मुझे फीडर दे दो, मैं यहाँ पे लेट के ना ना करो चादर कट्ठी। तो जी ये है बहन भाइयों हमारा आसान तरीका, मैं से ना चार पाइयों के नीचे से भी आसानी से कचरा ना निकाल लेती हूँ, तो मुझे ना इस तरह की ना आसानी होती है, इसलिए ना वैसे कचरा नहीं होता, ये ना अनाया के काम होते हैं, जो उनसे भी इसके चीज़ हाथ आते हैं ये उसके साथ ना खेलना शुरू कर देती है, फिर घर में ना सारा गंद डाल देती है। तो मैंने कहा चलो अभी हम सफाई कर ले, पीछे हो जाओ अनाया। तो अभी चलें जी मैं सफाई कर लूँ, सफाई करने के बाद फिर इंशाल्लाह दवाई खाते हैं, दवाई खा के फिर थोड़ी रेस्ट करते हैं, रेस्ट करके फिर देखते हैं कि अगर 12 बज गए हैं तो हम आटा गूंथते हैं, आटा गूंथ के फिर रोटी बनाते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने सफाई कर ली है, यहाँ से झाड़ू वगैरह मैंने सारा कर लिया है, बाहर से भी साफ हो गया है सहन। तो अभी मैं जा रही हूँ जी नीचे आटा लेके, तो आटा लेके जाते हैं नीचे, फिर नीचे गूंद के ना नीचे रोटी बना लेंगे, क्योंकि ना हमारी सुबह वाली रोटी पड़ी है जो उनसे मैंने सुबह बनाई थी। तो अभी हम जाते हैं जी नीचे, नीचे आटा लेते हैं थोड़ा सा, फिर नीचे गूंद के ना नीचे एक बार बना के फिर मैं ऊपर आऊँगी। तो उतनी देर में मैं पाइप ढूंढ लूँगी गैस का, क्योंकि मैं वो आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि एक ही चूल्हा है ना, फिर उसका मसला होता है बहुत, तो इसलिए ना फिर मैं पाइप ढूंढगी। जैसे मैं पहले बना लिया करूँगी या भाभी बना लिया करेगी। तो चलते हैं अभी नीचे, हम देखते हैं जी पाइप अगर पड़ा है तो ढूंढते हैं उनको, फिर इंशाल्लाह जी हम अपना सिस्टम ऊपर करते हैं, क्योंकि सीढ़ियाँ मुझे मना है नीचे ज़्यादा ऊपर चढ़ने उतरनी नहीं है। इसलिए फिर मैंने कहा चलो आज ना हम फिर आज सिस्टम कर ही लेते हैं चूल्हे का ना। तो आटा भी हमारा ख़त्म होने वाला है। चलें जी कोई बात नहीं, अभी हम इसको गूंद के बना ले भाई के लिए, तो फिर इंशाल्लाह देखेंगे शाम को, अदरीस आएंगे तो उनको बताएंगे इंशाल्लाह जी। अभी चलते हैं हम नीचे जी। मैं नीचे आ गई हूँ, तो आटा भी ले आई हूँ मैं और अंडे भी ले आई हूँ। अंडे को मैंने उबाइल करने हैं, क्योंकि मैंने बनाने हैं आज आलू शोरबे वाले, और अंडे को इतनी देर में मैं उबाल के रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे अभी स्कूल से नहीं आए। तो जैसे बच्चे आएंगे स्कूल से फिर मैं उनसे आलू वगैरह मंगवा लूँगी, और मसाला भी इतनी देर में ना मैंने कहा चलो मैं ना अंडे उबाइल करके ना रख देती हूँ, क्योंकि आसानी होगी। अभी खोल लेते हैं हम गैस का वाल, क्योंकि हमारे ना उस चूल्हे का ना बटन का मसला है, तो इसलिए ना हम वाल को ना बंद कर देते हैं तो गैस लीक नहीं होता। तो चलते हैं जी, अभी हम ना उसके अंदर पानी डाल के चूल्हे के ऊपर रखते हैं, इतनी देर में फिर हम आटा गूंथते हैं, आटा गूंद के फिर इंशाल्लाह रोटी बनाएंगे, रोटी बना के फिर जैसे बचेंगे हम सालन बना लेंगे। चले जी, मैं तो नीचे आ गई हूँ, गैस तो है नहीं इधर, तो अभी जा रही हूँ मैं। मैंने कहा अब मैं वापसी ऊपर नहीं जाती, तो इसलिए ना फिर मैं नीचे बैठ जाती हूँ, क्योंकि 12 बजे गैस आना है। तो फिर इंशाल्लाह हम बनाएंगे, और ना ये मेरे साथ हेल्प करवा रहे, कह रही मम्मा आप ना करो मैं पानी भर के आती हूँ आप आटा गूंद लो उसके साथ, ये मेरे साथ काम कराती रहती है। चले जी हम इतनी देर में ये काम वगैरह कर लें, गैस भी आ जाएगा, फिर चलो बुलाना स्टार्ट करें। चलो आ जाओ अनाया, छोड़ दो बस अनाया, बस मैं उठा लूँगी, आ जाओ। जिद करेगी उठा के आएगी, मुझे पता है इसका। चलो आ जाओ आ जाओ, अच्छी है अच्छी। चलो दे दो मुझे, दे दो आ जाओ। चले जी हम चलते हैं अंदर, अंदर चल के घूमते हैं जी आटा, आटा गूंद के रख देते हैं, फिर इंशाल्लाह बनाएंगे रोटी। आपने आप ये सोचेंगे किसने सुबह का लगाया हुआ है कि रोटी 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 बनाई, तो इसने अभी तीकर है नहीं, तो यहाँ पे ना अभी गैस नहीं है, नहीं तो मैंने इतनी देर में ये अंडे को ना ऊपर रख देना था चूल्हे के ऊपर, तो फिर इंशाल्लाह मैंने बना ली नहीं थी रोटी अभी तक, तो गैस भी नहीं आया, परेशानी होगी। चलें जी फिर अभी रख देते हैं आटे को गूंद के, जैसे गैस आ गया फिर हम बना लेंगे, है ना नाया, है ना? क्या कर रही हो? चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आटा भी गूंद लिया है, ये देखिए जी आटा। तो अंडे भी मैंने ना ये देखिए चूल्हे के ऊपर रख दिए, अभी उबलना शुरू हो गए हैं, तो जैसे ये उबलेंगे फिर हम इसको उतारेंगे, उतार के रख देंगे। तो क्योंकि अभी तीकर ना बच्चे नहीं आए स्कूल से, अब्दुल्ला भी नहीं आया, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी ना हम ऐसे ही बस रख देंगे। तो अनाया तो अभी छोटी है, मैं नाया को नहीं जाने देती दुकान पे, तो मैंने कहा चलो अभी हम अंडे को उबाल के ना रख देते, फिर शाम को इंशाल्लाह हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलें जी अभी देखते हैं कि क्या करना है, देख सोचते हैं अभी। चलें जी मैंने रोटी बना ली है, भाई की रोटी बना के नीचे रख दी है, तो उन आटे में से छोटा सा टिकड़ी बची थी वो मैंने बना ली है। तो अंडे आपको नज़र आ रहा होगा धुआँ इसका, ये देखें अंडे भी मैंने उबाल लिए हैं, तो अभी तक बच्चे नहीं आए, वो आएंगे तो फिर सौदा मंगवाएंगे, क्योंकि अभी देर भी हो गई है। वैसे तो अदरीस शाम को ही आएंगे, लेकिन इश्यू होता अगर दोपहर के खाने का तो फिर अदरीस के लिए बना लेती, वो दोपहर को नहीं आते खाना खाने के लिए, क्योंकि सुबह लेके गए थे साथ, तो इसीलिए तो मैंने कहा चलो अब शाम को ही देखेंगे बना लेंगे। इतनी देर में ये मैं खिलारा वगैरह यहाँ से उठा लूँ सारा बर्तन। तो टोकरी का मसला है, टोकरी एक है, इसमें ना बर्तन बहुत है, मेरी ना सांस नहीं सही आ रही है, सीढ़ियों पे चढ़ के आई हूँ ना, तो इसलिए ना फिर मैंने कहा चलो हम ना यहाँ से इसको ना सेटिंग कर लेते हैं। तो अभी देखते हैं जी, फिर हम ना अभी करते हैं जी, हमें दे इजाज़त,
है ना ना, इजाजत लेना। हाँ जी चले जी, इसी ब्लॉग का हम यहाँ पे करते हैं एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक ले रखे अपने ख्याल, खुश रहे, बद रहे, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।